वापस आया था ना, कैसे भगाया आपने उसको? कुछ आवाजें भी निकाली थी ना आपने, कैसे? इधर का जी, अब ईद उल जुहा आ रही है ना। आई डोंट नो गाइस व्हेन यू विल बी वाचिंग दिस वीडियो, पर हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं जुलाई है, तो ईद उल जुहा कुछ ही दिनों में। तो ईद कहाँ पे करेंगे आप? ईद यहाँ ही जनाब। क्यों, आपके घर वाले नहीं ढूंढेंगे आपको ईद पे? कहाँ ढूंढेंगे, ये माल किसके हवाले करेंगे? तो पार्टनर है ना आपका गुलाम महदीन यहाँ पे? नहीं, एक आदमी से कुछ नहीं बनता। मतलब आप ईद अक्सर यहीं पे गुजारते हैं? दैट इज अ सैड पार्ट अबाउट शेफर्ड्स। देखिए जो इसकी एजेस है ना, वो रिस्की हैं, वो ब्रेक डाउन या मेल्ट हो सकती हैं। बीच में थोड़ा स्ट्रांग है और वहाँ भी एजेस पे वो रिस्की था। सो फाइनली वी हैव क्रॉस इट, सो नेक्स्ट इज कश्मीरी और हिमालयन शेफर्ड। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो पहला एपिसोड है कश्मीरी शेफर्ड या हिमालयन शेफर्ड का। शाम के बज चुके हैं कुछ 5:30 और मेरा साथी सकलेन, माशाल्लाह मेरी नमाज की अदा की होगी, वो नमाज़ अदा कर रहे हैं मगरिब का। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी हमारे कश्मीरी शेफर्ड। तो आज हम आपको इनसे गुफ्तगू भी कराएंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा ये मसरूफ़ लग रहे हैं, मैं तब तक थोड़ा सा आपको हट का टूर दूंगा। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फीमेल हिमालयन शेफर्ड, एंड माशाल्लाह दैट वीडियो इज़ लाइक 600K व्यूज़। तो मैंने सोचा कंप्लीट एक शेफर्ड लाइफ सीरीज़ पर बनाएंगे। एंड हियर इज सकलेन ऑफरिंग सलाह असर, और यहाँ से इनका चश्मा बहता हुआ। राइट नाउ मैं वादी मड़वा की एक खूबसूरत सी वादी में हूँ, जिसे कहा जाता है गुमरू। और यहाँ पर हम अपना रात का स्टे करेंगे चौपानों के हट में। लेट्स गो इनसाइड एंड सी द डिटेल्स। सो वेरी बेसिक एंड यूनिक, यहाँ पर बेडिंग ऑफ कोर्स लग रहा है। ये किचन पोर्शन है, चाय पूरा लकड़ी ऑफ कोर्स फायरवुड के लिए इस्तेमाल होती है। आई कैन सी द मेडिकल बॉक्स, वर्क आपने कोई दवाई भी रखी है वहाँ पे जी? हाँ जी। टिपिकल हुका, और ये सोने की जगह है। और व्हाट एल्स, यहाँ से व्यू आपको दिखाई देगा। नाउ बैक टू बिजनेस, विल टॉक कादर साहब अबाउट हिज लाइफ। सो गाइस इफ यू आर रेडी देन लेट मी टेक यू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल जर्नी हियर इन द वैली ऑफ मड़वा। लेट्स गेट दिस ब्यूटीफुल डे स्टार्टेड। बहुत बहुत शुक्रिया, पहले हम यहाँ पे स्टे करेंगे, आपने स्टे करने दिया, बहुत शुक्रिया जनाब। तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, चौपानों की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या मसरूफियत रहती है आपकी? चौपानों की ज़िंदगी यही बस पहाड़ों पर। आपका दिन कैसे शुरू होता है, सुबह सबसे पहले क्या करते हैं आप? बस सवेरे हमारा काम था पहले लकड़ी जलाना। ठीक है, ठीक। वो दो दो कप चाय की पीनी। ठीक। उसके बाद बाड़ में जाना था। ठीक। बेडरूम में दूध लाना था। ठीक है। दूध के बाद फिर 8-9 बजे से शुरू फिर चाय। ठीक है। चाय शाय पिया, फिर शुरू किया बेडरूम को चलाने के लिए। उसके लिए आप अकेले यहाँ पर कि आपके साथ कोई और भी है? मेरे साथ दो था, और तो वो अभी बाहर ही हैं। हाँ बाहर ही है। तो शाम के वीडियो में हम वो देखेंगे जब वो वापस आएंगे वहाँ से। शाम के वीडियो में देखेंगे आप साहब। तो जो सबसे अभी हम ट्राई कर रहे हैं शेफर्ड्स के पास, और मेरी हालत टाइट हो गई। जो आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है ना, वही हमें क्रॉस करना है, तब हम शेफर्ड के पास पहुँचेंगे। एंड इट लुक्स क्वाइट ट्रिकी, आई होप कि क्रॉस हो जाए। भी खौफनाक मंजर है इस ग्लेशियर से। ये ग्लेशियर हमें क्रॉस करके जाना है शेफर्ड्स के पास। ओ माय गॉड, आई एम रियली स्केप्टिकल कि मैं चलूं कि नहीं। ये देखे, ये नदी है और ये क्रॉस करना है। कादर का, आपको उजरत क्या मिलती है इसकी? मतलब जो ये काम करते हैं, इन पहाड़ों में बैठते हैं, उजरत क्या मिलती है इसकी आपको? उजरत जनाब मिलती है ये 6-7 किलो मकी,
साल का नहीं यही एक सीजन का नहीं एक दिन को नहीं मतलब ये 5 महीनों के 5 महीनों के लिए 6 या 7 किलो मक्की एक जानवर को वो सिर्फ आप बकरियां नहीं पकड़ते हैं सिर्फ आप पकड़ते हैं शीप भी कोई मगर थोड़ी बकरी है थोड़ी बकरी 10-15 तो 5 महीनों के लिए आपको 6-7 किलो मिल जाता है तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बेड़ बकरी मर गया तो वो किस तरीके से आप जमींदार को बोलते हैं कि कैसे कन्विंस करते हैं ज़बह होगी सामने अगर चाय निकल रही है देखिए ये चाय हमारे लिए बन रही है और मैंने इनको डिस्टर्ब कर दिया ऐसे अगर बीमार शमार वो पड़ी भेड़ है या बकरी फिर ज़बह करनी पड़नी ठीक अगर रात का टाइम में वो रात सो गया इंसान फिर वो मर गई फिर उसको बोलना था जनाब इधर आओ वो देखो अपनी तो अगर नोम नहीं मिला तो फिर अगर कोई निशानदेही नहीं मिली लुढ़क हो गई या कुछ और हो गया फिर ये डांड लेते हैं आपसे कितना पूरा जितनी कीमत उसकी होगी उतनी नहीं पहला जमाना का ये शुरुआत जब ये पुराने थे अगर बेल घुमा बछू देना था अगर भेड़ घूमी छोटा सा मेमना देना है तो आज के जमाने में ये बड़ी कीमत का थे 6,000 भेड़ को 5,000 भेड़ को 7,000 20,000 बड़े डंगर को जी ये है जी ग्लेशियर लगता तो स्ट्रांग है अल्लाह कहे कि आसानी से सकले डर रहा है वहाँ से थोड़ा सा तंगी है यहाँ से हमें क्रॉस करना है जो इसकी एजेस है ना वो रिस्की हैं वो ब्रेक डाउन या मेल्ट हो सकती हैं बीच में थोड़ा स्ट्रांग है और वहाँ भी एजेस पे बहुत रिस्की था सो फाइनली वी हैव क्रॉस्ड इट सो नेक्स्ट इज कश्मीरी और हिमालयन शब्द यूजुअली आप क्या क्या खाते हैं चीज़ें ना शाम को जैसे चावल इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना है ना क्या खाते हैं आप ज़्यादातर क्या चावल में चावल के साथ और क्या खाते हैं आप यहाँ चावल के साथ दाल और कुछ किसी वक्त दूध किसी वक्त अगर मीट बना मीट खाएं जी तो कितने महीने का सीजन रहता है आपका ये 6 महीने का सीजन है मेरा मई से सितंबर तक तो विंटर में क्या काम करते हैं आप कहाँ विंटर में आपका क्या काम फिर रहता है जैसे आज आप चौपान है विंटर में क्या काम करते हैं आप बस यही काम भेड़ों बकरियों के साथ ही पूरा साल साल बताया था ना कैसे बगाया आपने उसको आवाजें भी निकाली थी ना आपने कैसे तो इन पहाड़ों में रहने की एक वजह क्या अच्छी लगती है आपको इधर एक ही चीज अच्छी था हवा और सख्ती किस चीज से आपको आती तंग किस चीज से आते अस्सलाम वालेकुम ये देखिए जी हमारे एक और चौपान भाई आए हैं अपने बेड़ू बेड़ू पेड़ लाए 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 तो सबसे जो बुरी चीज आपको लगती है पहाड़ों में रहने की वो क्या है वो जंगली जानवर सख्ती लाते हैं रात भर आप होशियार रहते हैं रात आप देखें इधर ये यहाँ सोकर देखेंगे क्या करते हैं चौपान चौपानों को बड़ी सख्ती है और मजदूरी भी थोड़ी मिलती है गाइज आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग पर ये कल्चर है पुराने लोग पीते हैं इसके बगैर रहते नहीं तो ये आप जो ये काम करते ना खुशी से करते हैं कि आपका ये मतलब अब प्रोफेशन बन चुका है नहीं नहीं खुशी से करते हैं मगर लोग ठीक नहीं रहा कि मजदूरी आज अगर चाय लाएंगे दुकान पर 1 किलो वो 700 में मिलेगी बिल्कुल महंगाई तो हो गई है महंगाई तो अच्छा लोग आपकी उजरत नहीं बढ़ाते हैं नहीं, नहीं, आपके वालिद साहब भी यही काम करते थे वो भी यही काम मगर उस वक्त था पुराना जमाना था चीनी था त्रंबा था
मकी था, आज मकी भी नहीं, बस यही चुडोर का। अमेजिंग अमेजिंग। सो ये कुछ वाइज वर्ड्स थे कादिर साहब के, जो कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे। एंड इंशाल्लाह यू विल बी सीइंग लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो हम एक्सप्लोर करेंगे इस नोमैडिक सीरीज में। और ये देखो, ये भाई अभी अभी आए और हंस रहे हैं, इनको हम हंसने की वजह पूछेंगे। मैं थोड़ा आपको बाहर का टूर देता हूँ कि बाहर क्या क्या चीज़ें शेफर्ड्स रखते हैं। ये हिल आप देख रहे हैं, ये पहाड़ पूरा, आप बताइए वहाँ से हम वहाँ से ट्रैक करके आए। बिलीव मी गाइज, आई कुडंट मेक द वीडियो बिकॉज आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, एंड रोड इतना डेंजरस था ना इन शेफर्ड्स के लिए, वो मैं जर्नी नहीं बना पाया। और बिल्कुल ये देखिए, यहाँ पर ये शेफर्ड्स रहते हैं, और यहाँ कुछ ट्रैक करते करते हमें आई बिलीव 4 से 5 घंटे लगे, और दैट वॉज द शॉर्टेस्ट वे। सुबह हमें वहाँ से वापस जाना है, दैट इज़ द फिजिबल वे जहाँ से ज़मींदार लोग आते हैं, बट वी चूज़ दिस वे बिकॉज वी वर ऑलरेडी ओवर देयर बकरवालों की सीरीज़ करने की। सो वहाँ से हम यहाँ आए हैं, एंड देयर इज बसेरा ऑफ चौपांस। तो ये नमाज की जगह आपने देखा भी, सकलेन यहाँ पे नमाज अदा कर रहे थे, इसको कहते हैं वाड़। जो मैं ट्राई करूँगा आपको इवनिंग में दिखाने के लिए, ये शीप्स को वहाँ रखा जाता है, यहाँ से लकीली इनको चश्मा और बर्तन यहाँ पर धोते हैं। तो कादिर साहब अब हम चाय पियेंगे, थैंक यू सो मच। सो गाइज वी गोना हैव कप ऑफ टी विद शेफर्ड्स। यकीन मानिए आप, जितनी आपको आसान लगती है ना इनकी ज़िंदगी और हमारा आना भी यहाँ तक, अगर अभी तक वीडियो में आप बने हैं ना, मेक श्योर यू शेयर सो दैट कि ज़्यादातर ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, उनको इनकी ज़िंदगी के बारे में पता चले। थकावट बहुत ज़बरदस्त है, तो हैव अ कप ऑफ नमकीन टी, सो लेट्स सी व्हाट अदर थिंग्स वी कैन एक्सप्लोर। शाम के मनाजिर, कादिर का चूल्हे की लकड़ी के लिए इसको काट रहे हैं, जैसे कि आपने देखा इसको एक स्पोर्ट के लिए एक फुली डालिए पनी कश डायलेक्ट्रस मश वनान पोन। सो ये हैं इवनिंग के सीन्स। कादिर का क्या कर रहे हैं आप? बस जनाब लाइट का सामान। ये सोलर लाइट है, तो रात को हमें रोशनी दस्तियाब होगी, तो इसी में लाइट भी आती है। इसी में आती है लाइट। ओके, बैक एंड में आपने देखा सोलर पैनल था और पीछे से लाइट, वेरी नाइस। तो इसको आप लगाएंगे ऊपर, हाँ, तो ये रात का इंतजाम हो रहा है। कितना टाइम निकलता है? मैं डाउट में था कि चाय के साथ क्या खाएंगे हम, सीरियसली ये कुछ बनाओ, रोटी कौन बनाता है? कादिर का आप कि आप जनाब, आप बनाते हैं कि आप बनाते हैं? दोनों। ये किसने बनाई है? ये तो बहुत अच्छी बनाई। तो मतलब आप किचन का काम अच्छी तरह संभाल पाते हैं। सबसे अच्छी आइटम क्या बनाते हैं आप? सब्जी, दाल, चावल। नॉन वेजिटेरियन में भी कुछ बताइए, मीट में भी अच्छा बनाते हैं कुछ आप? मीट भी। देखिए ये हुनर इनका। सो हाँ, और पनीर कहाँ, इसने नाम नहीं लिया पनीर का, नहीं देने वाला है, टेंशन मत ली। सो बिस्मिल्लाह, हियर वी गो विद चपाती। एज यू कैन सी व पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे बंदे बढ़ रहे हैं, कुछ और इनके गेस्ट यहाँ पर आए हैं। सो फार मैं और सकलेन सिर्फ यहाँ पे थे। आई डोंट नो कि रात का सीन क्या होगा, क्योंकि सोने का अरेंजमेंट तो यही है, जो सेटअप आप देख रहे ना यही है। कैदर का अब ईद उज़ुहा आ रही है ना, आई डोंट नो गाइज व्हेन यू विल बी वाचिंग दिस वीडियो, पर हम जब ये वीडियो शूट करें जुलाई है, तो ईद उज़ुहा कुछ ही दिनों में। तो ईद कहाँ पे करेंगे आप? ईद यहाँ ही जनाब। क्यों, आपके घर वाले नहीं ढूंढेंगे आपको ईद पे? कहाँ ढूंढेंगे, ये माल किसके हवाले करेंगे? तो पार्टनर है ना आपका गुलाम महदीन यहाँ पे? नहीं, एक आदमी से कुछ ही बनता। मतलब आप ईद अक्सर यहीं पे गुजारते हैं? दैट इज़ अ सैड पार्ट अबाउट शेफर्ड्स। यकीन मानेंगे आप अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, जो मेरा यहाँ घर जाने का है ना, वो ये है, ये जो वार कहते हैं हमसे, पूरा एक अलग ही समा उस वक़्त आता है जब यहाँ पे ये शीप्स सुबह के वक़्त, तो वो यूनिक ही एक्सपीरियंस होता है। इवन आई एम वेटिंग फॉर द इवनिंग कि जब ये एक साथ असेंबल होते हैं, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ, उसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जस्ट वेटिंग फॉर इट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कहानी कश्मीरी शेफर्ड्स की, हिमालयन शेफर्ड्स की, इन दिस ब्यूटीफुल माउंटेंस हियर इन मड़वा। मेक श्योर यू शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट वीडियो विच विल बी वेरी सून, जो कि मैं यहाँ पे शूट करूँगा बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह, कुछ ही चंद पलों में, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है। टू टेक केयर ऑफ सेल्फ एज वी सीन कश्मीरी।